मेरी निस्बत तबलीग जमात से आपने एक बयान में कहा था कि रायबरेली मरकज के अंदर एक ही जगह पर दो मस्जिदें हैं, इस बारे में इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को बगैर रफ्तार नमाज की मस्जिद, हालांकि बाहर के आने वाली जमातें आम पब्लिक में नमाज पढ़ती हैं, इस वक्त उनको मस्जिद सीम क्यों नहीं लगते? तो ये बात आप रायबरेली वालों को बताएं ना कि वो जो उन्होंने लादा मस्जिद की हुई है और उसमें बकायदा पूरी बाउंड्री की है, वो दीवारें गिरा देना, दीवारें बर्लन भी गिर गई है, तो रायबरेली का जो बैरून और अंदरून है उसकी दीवारें क्यों नहीं गिर रही हैं? फिर तुहानू अगली गल दसनगे नहीं, वो जरा मम्मी डैडी लोग होंगे ने, ये होंगे वो होंगे, अगर कोई ऊपर आके नमाज पढ़ ले वो लादा, लेकिन ऑर्गेनाइज जो मामला है वो उनका उधर ही लादा है ना, बैरून के लोगों में अंदरून के लोगों को वो दाखिल होने देते हैं, वहां सिक्योरिटी पे बंदे बिठाए होते हैं। इस पर हमारे बिलाल भाई ने पूरी वीडियो बनाई हुई थी, इस पर मुझे तारे जमीर साहब का भी फोन आया था, फिर मैंने उनसे फिकी टर्म में बात की, मैंने कहा मुझे बताएं मस्जिद की डेफिनेशन है इज़्ने आम, कहते हैं हाँ, तो मैंने उसके तहत तो आप जो बैरून के लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं वो मस्जिद ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं वो इज़्ने आम तो वहां नहीं है, क्योंकि पता है वो उनका वो सिलसिला हमने लादा किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने कहा जी मस्जिद एक इसलिए कि इमाम एक होता है, भाई इमाम से क्या फर्क पड़ना है, जिस इमाम की किरात की आवाज ही नीचे बैरून वालों को नहीं जा रही, उन्होंने ऊंची आमीन कहां से कहनी है? तो जरासीम तो लगते हैं आमीन से, रफ़ दैन से छोटे जरासीम लगते हैं, और अगर आप कहते हैं ना नहीं लगते, जाओ जो बंदियों की पहली साफ में ना पांच बंदे खड़े होकर आमीन ऊंची को कुत्ते की तरह ना सलाम फेर के इमाम पड़ गया, मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो गल करने नहीं करो, तुहानू पता ही नहीं मौलवी कितने कितने चलाकियां ने, बनू मैया की औलाद दे, और मैं बनू मैया का उस्ताद हाँ।